नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G84 वर्सेस CMF फोन 15G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो G84 में 6.3 इंच जबकि CMF फोन 1 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो G84 में 2.93 इंच जबकि CMF फोन 1 में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो G84 में 0.3 इंच जबकि CMF फोन 1 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि G84 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो G84 में 166.8 ग्राम जबकि CMF फोन 1 में 197 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि G84 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो G84 में PoLED जबकि CMF फोन 1 में सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो G84 में 6.55 इंचेस जबकि CMF फोन 1 में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G84 में 87.01% जबकि CMF फोन 1 में 85.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो G84 में 402 पिक्सेल प्रति इंच जबकि CMF फोन 1 में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G84 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और CMF फोन 1 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो G84 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और CMF फोन 1 की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो G84 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और CMF फोन 1 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो G84 में Adreno 619 जबकि CMF फोन 1 में Mali G615 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G84 में Qualcomm Snapdragon 695 और CMF फोन 1 में MediaTek Dimensity 7300 मिलता है। बात करें रैम की तो G84 में 12GB की रैम मिलती है जबकि CMF फोन 1 में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो G84 में 256GB जबकि CMF फोन 1 में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो G84 में अप टू 1TB जबकि CMF फोन 1 में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो G84 में Android V13 जबकि CMF फोन 1 में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो G84 में 3 कलर्स जबकि CMF फोन 1 में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो G84 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें CMF फोन 1 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो मोटो G84 में 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें CMF फोन 15G की तो उसमें 6 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 60X 5G है, दूसरा Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition है, तीसरा Tecno Camon 20 Avocado 8 Edition है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C53 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।